मैं अपने छोटे भाई उमेश गायकवाड़ जी के जन्मदिन के ऊपर लखनऊ से भी आ गए कितनी दूर से सफर करके आज उनको मुबारकबाद देने पहुंचा हूं। और उमेश गायकवाड़ जी एक ऐसे पॉपुलर नौजवान हैं जिनका मकसद राष्ट्र की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है। और जिस तरीके से आपके सहयोग से ये लोगों के कार्य में लगे हुए हैं और आगे बढ़े, आज के दिन जन्मदिन के दिन भगवान के आगे यही प्रार्थना करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कि और आगे बढ़े। और महाराष्ट्र एक शक्ति, एक ताकत है हिंदुस्तान के अंदर, और ख़ास तौर से पूना जहाँ कल्चर है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ एक दूसरे का प्यार है, ये और इस राष्ट्र को, इस महाराष्ट्र को मजबूत करे ताकि आने वाले वक्त के अंदर हम मातृभूमि की और सेवा कर सकें। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, पर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और ख़ास तौर पे मेरी लड़ाई आतंकवाद से रही है और आखिरी दम तक रहेगी। उस लड़ाई के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारा बचपन का सपना पूरा किया है, एक गोली चलेगी पाकिस्तान से 100 गोली का जवाब देंगे, एक गोली चलेगी चौकी पे 100 गोली मारेंगे, गोली का जवाब गोली। अगर 18 जवान शहीद करते हैं तो पाकिस्तान में घुस करके पंतालियों को ठोक करके जिंदा शहीद की तरह हमारे जवान वापस आते हैं। अगर चाइना के अंदर चाइनीज हमारी सरहद पे आने की एक कदम रखने की कोशिश करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के फौज के जवानों को इतनी खुली छूट है कि मातृभूमि की सीमाओं के ऊपर कोई दूसरे देश का कोई फौजी कदम नहीं रखना चाहिए, मातृभूमि का आधा इंच हिस्सा नहीं जाना चाहिए, वो चाइना के छक्के छुड़ा देते हैं। विकास, तरक्की और बड़े काम हैं हिंदुस्तान में होते रहेंगे, पर याद रखिएगा प्रथम राष्ट्र, राष्ट्र पहले, नेशन इज फर्स्ट। अगर राष्ट्र नहीं है तो विकास नहीं है, राष्ट्र नहीं है तो धर्म भी नहीं है। धर्म कब कमजोर होता है, देश कब कमजोर होता है, जब राष्ट्र को कमजोर किया जाता है। राष्ट्र कमजोर हुआ था, राम जन्मभूमि पे आतंकवादियों ने हमला किया था, राष्ट्र कमजोर हुआ था, अक्षरधाम पे हमला हुआ था, राष्ट्र कमजोर हुआ था, रघुनाथ मंदिर जम्मू पे हमला हुआ था, राष्ट्र कमजोर हुआ था, हरमंदिर साहब के अंदर हमला हुआ था। प्रथम राष्ट्र अगर जिस दिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति महाराष्ट्र के लोगों की तरह, गुजरात के लोगों की तरह अपनी एक सोच रखेगा, प्रथम राष्ट्र आज नहीं तो कल जाना है, मेरे लिए तो प्रथम राष्ट्र है, ना पार्टी है, ना लीडर है, ना माता पिता है, ना बच्चे हैं, प्रथम राष्ट्र जिसके आंचल में हमने जन्म लिया है। एक वो माँ जो हमें जन्म देती है, अपने पेट से जन्म देती है, एक वो माँ भारत माँ जिसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर अपने आंचल में समा के रखे हैं, वो नहीं कमजोर होनी चाहिए। और खास तौर पे क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहते, आपको अपनी, आपकी खूबियां क्या है महाराष्ट्र की आपको नहीं पता, ये पंजाब दिल्ली से जो लोग आते हैं उनको पता है कि महाराष्ट्र के लोग कैसे हैं। महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का लाल गर्म खून हर व्यक्ति के कण कण में है, जो कभी भी राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर कभी समझौता गलत नहीं करता है, ये महाराष्ट्र की खूबी है।
आज छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वरूप, उनका तस्वीर, उनका स्टैचू महाराष्ट्र के हर कोने कोने में नजर आता है। पूरे हिंदुस्तान में जाके देखिए, बड़े शहीद हुए, बड़ी कुर्बानियां हुई। क्या उनकी विरासत को वहां के लोगों ने, स्टेट के लोगों ने संभाला? कोई नहीं संभाल पाया। पर महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को जिंदा रखा है और सदा सदा वो जिंदा रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, मैं बार बार आता हूं यहां। मुझे मालूम नहीं, पुणे ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, कोल्हापुर, बॉम्बे, कहां कहां मुझे बुलाते हैं बड़े बड़े फंक्शनों में, कॉलेज के अंदर, स्टूडेंट के अंदर। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों आता हूं, पर महाराष्ट्र की ये कर्म खून की धरती मुझे बार बार बुलाती है और हमेशा यहां से कुछ ना कुछ मैं सीख के जाता हूं और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में सबको कहता हूं, बनना है तो मराठी जैसा बनो। मैं कहीं नहीं कहता जय जय पंजाब, सिर्फ हिंदुस्तान में एक जगह पे कहता हूँ जय जय महाराष्ट्र, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की संस्कृति को संभाल के रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और अपने भाई को मैं बिल्कुल मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। हमेशा मेरा इनसे प्यार है और हमेशा मेरा इनसे प्यार रहेगा। और आखिर में आपसे फिर वो वादा करके जाता हूँ, ये बम्बों से बची हुई बोनस की जिंदगी जो है आपके लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के चरणों के लिए, हे भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रख कर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। छत्रपति शिवाजी महाराज।